नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों आज हम आप पहुंचे हैं कोटकापुरा पंजाब के अंदर छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी में। किसान भाइयों आप मेरे सामने दो मशीनें देख पा रहे होंगे। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं विनोवर के बारे में। किसान भाइयों विनोवर और विनोवर कम ग्रेडर, इन दोनों मशीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे सर से। और आमतौर पर अगर हम फसलों की बात करें, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, जो भी फसलें हमारी होती हैं, जब हम उसको काट के घर पे लेके आते हैं, जब दाना और उसको अलग करते हैं, तो उसमें कई सारे कचरा या उसकी भूसी देखने को मिलती है। तो उसकी सफाई करने के लिए हमारे किसान भाइयों को पंखा जो पुराने ज़माने का होता था उससे ओसाना पड़ता था। महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी देर तक हवा के सामने खड़े होने से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, या जेंट्स भी अगर उसाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो उन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज इन दोनों प्रोडक्ट को लेके आए हुए हैं। सर हैं हमारे साथ कंपनी के ऑनर, जो है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट के जो ऑनर हैं राहुल सर हैं, इनसे जानकारी लेंगे। मैम हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप सुनाइए सर, बड़ा अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आप हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं, महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं, कैसे कर लेते हैं सर? सर इसका श्रेय जाता है मेरे जो छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, उनपे जी, क्योंकि उनके मेन मकसद ये रहता है, उनकी सोच ऐसी है कि कोई भी किसान भाई है, चाहे बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल उनको किसी भी किस्म की खेती में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, जब आप खेती आपने कर ली, बिल्कुल जो आपके पास अनाज या बीज या दाना आपके पास आ गया, बिल्कुल मंडी में बेचने से पहले उस दाने की आपको सफाई करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। तो सफाई के लिए या तो आपको मैनुअली लेबर बुलानी पड़ेगी, बिल्कुल, या आप ट्रेडिशनल ढंग के हिसाब से बड़े बड़े पंखे लगाएंगे, या जो महिलाएं गांव में हमने देखा है छज्जों से दानों की सफाई होती है, बिल्कुल, जिसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है जिससे आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है जी, और जो सामान दाना है उसकी प्रॉपर सफाई भी नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा। तो उसी क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जी। जो एक मशीन है वो तो आपके दाने को साफ करेगी जी, जिसको उड़ावनी पंखा कहा जाता है, वो आपके दाने की सफाई करेगी जी। और जो दूसरा मॉडल है वो आपके दाने की सफाई तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उसको आगे ग्रेडिंग भी कर देगी। बिल्कुल, यानी कि जो दाना अनाज आपका होगा, बीज है, उसको छोटा दाना, बड़ा दाना, हल्का दाना, वो तीनों अलग तीन हिस्सों में इसको ग्रेडिंग कर देगी जी, जिससे आप जो आपकी उपज है उसको मंडी में या दुकानों पे बेच के अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं जी। सर जैसे हम बात करने वाले हैं विनोवर के बारे में जी, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दीजिए सर। और ये प्रोडक्ट मुझे जो है काफी हल्का लग रहा है, हल्का बना दिया आपने, मतलब कहीं कैरिंग चीजें हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। सर कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। हल्का बनाने का मेन मकसद ये था कि नॉर्मली जैसे ये जो विनोवर है जी, इसको आपने या तो खेत में लेके जाना है जी, आप इसको आसानी से उठा के भी लेके चल सकते हैं, बिल्कुल टू व्हीलर के पीछे रख सकते हैं, और तो और साइकिल के पीछे भी बहुत आसानी से इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं जी। खेतों में लेके जाना है तो आप वहां पे काम कर सकते हैं, घर पे काम कर सकते हैं। जो मेरे भाई मंडियों में काम करते हैं वहां पे भी इसको लेके मशीन को लगा के अच्छा खासा अपने लिए किराए के माध्यम से अच्छा खासा वो मुनाफा कमा सकते हैं मशीन जी। अच्छा इसमें कितने एचपी की मोटर लगी हुई है वैसे देखा? सही, ये सारी डिटेल में मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, वो आपको प्रॉपर विस्तार में कैसे ये विनोवर काम करेगा, क्या क्या इसमें है, वो सारी डिटेल में आपको मेरी वाइफ बताएगी जी। नमस्कार मैम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको आप जानकारी दीजिए, इसमें कितने एचपी की मोटर लगी हुई है, कैसे ऑपरेट होती है, कितने एचपी की मोटर है इसमें? जी हाँ, आज हम आपके लिए लाए हैं उड़ावनी पंखा जी, इसमें आधे एचपी की मोटर लगी हुई है जी। और आप देख सकते हैं जैसे पहले होता था अनाज को साफ करने में बहुत ज्यादा समय हमारा खराब होता था, बिल्कुल, मोस्टली महिलाएं बहुत बारीकी से उसको करती थी और उससे क्या होता था कि उनकी आई साइड पे भी बहुत असर होता था जी। लेकिन अब आप अपना समय भी बचा सकते हैं और बहुत इजीली अनाज को साफ कर सकते हैं जी। इसको जी, जैसे बात करें मैम, ये बिजली से तो ऑपरेट होता ही होता है, बिल्कुल, ये हैंड से भी यहाँ पे आपने दे दिया, बिल्कुल यही मैं आपको बताने वाली थी, ये सबसे अच्छी ऑप्शन है कि आप कभी बिजली का कट है या कुछ ऐसा है तो आप हैंड से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं जी। अगर हम इसकी बिजली की खपत की बात करें तो घंटे में कितनी हो जाती होगी यूनिट की अगर बात करें? ये एक घंटे में एक यूनिट बिजली की खपत करेगी जी, जी। और एक घंटे में ये 5 से 6 क्विंटल आपका अनाज साफ करेगी। अच्छा, 5 से 6 क्विंटल जो है अनाज की सफाई कर देगी मैम, बिल्कुल। तो काफी अच्छे से डिजाइन की गई है, काफी हल्की मशीन है। सर दूसरी जो मैं देख पा रहा हूँ सर, इसके बारे में जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप दीजिए। बिल्कुल जी सर। अब उसके बाद विनोवर उड़ावनी पंखे के बाद जी, जो मेरे किसान भाई अपने किराने का शॉप कर रहे हैं, बिल्कुल, या बीज का काम कर रहे हैं जी, उनका मेन समस्या आती थी कि दाना साफ हो गया, उसको बाद में ग्रेडिंग करने के लिए,
जैसे आपने बीज लगाने हैं तो बीजों के लिए अलग अलग दाने की ग्रेडिंग करनी होती है। जैसे अगर धान की बात करें तो धान जो चावल होता है उसमें तीन किस्म की ग्रेडिंग होती है। बिल्कुल, एक जो साबुत दाना है उसके बाद टुकड़ा निकल जाता है और सबसे बारीक आ जाती है कनी। तो ये तीनों को आप अलग अलग रेट पे मार्केट में बेच के अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो ये जो मॉडल हमने डिजाइन किया है ये आपका सफाई का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ही आपको ग्रेडिंग भी करके देगा। अच्छा, मतलब साथ में ग्रेडिंग भी कर देगा वो? बिल्कुल जी। बीज जैसे मान लीजिए कोई बीज वगैरह की दुकान है या बीज मतलब बीज की मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है पैकिंग करके, बिल्कुल जी। तो इससे जो है उसकी कैटेगरी बना सकता है कि बिल्कुल छोटा बड़ा कैसे क्या है। ये तीन कैटेगरी में आपका जो दाना है और ये जो दोनों मॉडल्स है मेरे, चाहे आप विनोवर की बात करें चाहे विनोवर कम ग्रेडर की बात करें, किसी भी किस्म का अनाज या दाना है जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, तिल है, गेहूं है, मक्का है, चना है, बाजरा है, ज्वार है, किसी भी किस्म के दाने की आप इससे बहुत आसानी से ग्रेडिंग आप कर सकते हैं जी। इसमें कितनी एचपी की मोटर लगी हुई है सर? से ये जो विनोवल कम ग्रेडर है इसमें दो मोटर लगी होती हैं जी। आधा एचपी की मोटर विनोवल पंखे के लिए होती है जी। और आधा एचपी की मोटर नीचे जो ग्रेडिंग है उसके लिए लगी हुई है जी। अगर इसकी बिजली कंजप्शन की बात करें तो ये घंटे में अगर दोनों आप चलाते हो विनोवल और साथ में ग्रेडर चलाते हो जी, तो ये घंटे की आपकी 1.5 यूनिट के करीब बिजली कंज्यूम करेगा। बिल्कुल। और प्रोडक्शन इसकी 5 से लेकर 6 क्विंटल यानी कि 500 से लेकर 600 केजी प्रति घंटे की इसकी आउटपुट कैपेसिटी आ जाएगी इसकी। बिल्कुल जी। जी सर, मशीन जो है काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्शन जो आप बता रहे हैं काफ़ी अच्छा, लेकिन सर देखने से ऐसे कर देने से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल जी, सही कह रहा हूँ। बहुत आपने बहुत अच्छी बात आपने चीज़ें दिखाई, ठीक है, लेकिन जो देखने वाला होता है ना उसको ऐसे नहीं विश्वास होता है, हमें भी ऐसे विश्वास नहीं हुआ सर, ले जाने के बाद चले ना चले। बिल्कुल जी, उसके लिए भी मैं आपको उसका आंसर देने के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पीछे। अच्छा, मैंने यहाँ पे मक्की रखी हुई है। अच्छा, मक्की रखी है सर? बिल्कुल जी। ये कचरा बीच में डाल के आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस मशीन के माध्यम से ये जो धूल मिट्टी है, कचरा है, चाहे भारी से भारी कंकर पत्थर है जी, वो अलग हो जाएंगे और साफ दाना एक तरफ से अलग होकर कैसे निकलेगा। पक्का सर? ये आपके हाथों से ही मिक्स करवा के लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। इसी में सर? इसी मशीनों में लाइव डेमो करके। लाइव डेमो कर लूं सर? बिल्कुल जी बिल्कुल, लाइव डेमो पहले हम लाइव डेमो कर लेते। चलिए के सामने हो तो फिर हम पहले लाइव डेमो कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको जो इसका विनोवल कम ग्रेडर का लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ मक्की मैंने रखी हुई है, ये मक्की के बीच में मैं यहाँ पे कुछ कचरा जो है इम्प्योरिटीज है वो ये डाल रहा हूँ, क्योंकि खेतों में कई बार क्या होता है जब हम अनाज लेके आते हैं तो उसमें कोई भूसा आ जाता है, कंकर पत्थर आ जाता है। तो ये आपके सामने इसमें मैंने कुछ कचरा इसमें मिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जब हम इस मशीन में इसको डालेंगे, यहाँ से ऊपर से हम जो ये मक्की के दाने डालेंगे तो इस साइड से जो धूल मिट्टी है वो बाहर निकल आएगी और आगे से जो दानों की ग्रेडिंग है तीन हिस्सों में होते हुए ग्रेडिंग की होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए मैं आपको इसका लाइव डेमो में इसकी ग्रेडिंग करके दिखाता हूँ। This is the future. इसमें आप देख सकते हैं जो कचरा है, टूटे दाने हैं या हल्के दाने हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, जो एकदम साफ दाना है वो इस साइड से अलग से आ रहे हैं, और जो इसकी धूल मिट्टी इम्प्योरिटीज है जो आपके सामने हमने इसमें कचरा डाला था वो ये बाहर से इस साइड से ये कचरा एकदम बाहर निकल के आ रहा है। ये देखिए क्या सर, मतलब मजा आ गया एकदम जी, एकदम जबरदस्त। मतलब जो आपने कचरा दिखाया था वो उससे मतलब एकदम दिल खुश कर दिया एकदम आपने सर। मतलब काफी अच्छी चीजें हैं, और जो महिलाएं घंटों घंटों खड़ी रहती थी हवा के सामने वो तो समस्या ही आपने खत्म कर दी। जी बिल्कुल जी जी। तो ये जो कचरा है ये तो मेरे पास यहाँ पे जैसे जो मिला, हाँ, खेतों में कई बार क्या होता है जो भूसा आ जाता है या कई बार कंकर पत्थर भी आ जाते हैं जी, तो वो भी इन मशीनों से अलग हो जाएंगे आप जी। अच्छा सर, ये सारी चीजें हो गई, अगर हम बात करें इसकी वारंटी गारंटी की, तो हमारे किसान भाइयों की इसकी वारंटी गारंटी क्या देने? सर ये दोनों मशीनों में पहली बात तो कोई खराब होने वाली चीज है ही नहीं जी। बिल्कुल,
फिर भी हम किसान भाइयों को अपना कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो उस पर हम 12 महीने यानी कि एक साल की वारंटी तो हम देते ही देते हैं जी। मोटर की बात है, मोटर पहली बात तो कुछ होता नहीं है, डेढ़ दो साल बाद अगर कभी मोटर में कोई दिक्कत आ भी जाती है जी। तो लोकल आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन से जाके मोटर रिपेयर करवा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा हमारी कंपनी में हर किस्म का इसका पार्ट मौजूद मिलेगा जी। अच्छा, इसमें मिल जाएगा। अच्छा, अगर रेट्स की बात करें तो प्राइस क्या देने वाले हैं दोनों को अलग अलग? सब कीमत की बात करें, ये जो उड़ावनी पंखा है जिसको विनोवर कम सीड क्लीनिंग मशीन कहा जाता है जी, ये मात्र 21,000 रुपए में हिंदुस्तान के हर एक कोने में गांव देहात में पहुंचा के हम देंगे जी। बिल्कुल। और वहीं अगर कोई किसान भाई विनोवर कम ग्रेडर लेना चाहता है बिल्कुल, तो ये हम 34,000 रुपए में हिंदुस्तान के हर एक कोने में उसके घर तक डिलीवरी के साथ, घर तक डिलीवरी मिल जाएगी। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन जो हमारा व्यूअर्स है इतनी दूर से देखता है, काफी देर से देख भी रहे हैं, कुछ इसके साथ, अब आपने मेरे मुंह की बात छीन लीजिए। लाइव वीडियो में दोस्तों मैं एक वादा कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे विनोवर कम ग्रेटर लेते हैं जी, और मुझे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बिल्कुल, तो एक जाली तो बीच में लगी हुई है हाँ। और एक ये जो जाली है जी, जो आपका बारीक अनाज के लिए काम में आएगी, बिल्कुल, जैसे आप अपना जो सरसों हो गया, तिल हो गया, उसके लिए उपयोग में आएगी जी। तो ये एक जाली जो मुझे आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसको विनोवर कम ग्रेटर के साथ में ये जाली में साथ में कॉम्प्लीमेंट भी, मतलब फ्री मिलेगी। बिल्कुल जी जी। अच्छा सर, ये सारी चीजें होगी, इसका मंगवाने का क्या प्रोसेस है ये बता दीजिए हमें। मंगवाने के लिए दोस्तों आप डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं, जो कि पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ भी हमारी कंपनी है। घर बैठे मंगवाने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोल देता हूँ 9852519706 और 9842431007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chhabbaragri.com के नाम पे। दोनों में से जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, विनोवर कम विनोवर फैन या उड़ावनी पंखा जिसको कहा जाता है, जिसकी कीमत 21,000 है, इसके लिए आपको 5,000 रुपए एडवांस देना है। वही विनोवर कम ग्रेटर जिसकी कीमत 34,000 है, इसके लिए भी आपको 5,000 रुपए एडवांस कंपनी के करंट अकाउंट में जमा करवाना होगा जी। तो सर आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो थी वो छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कोटकापुरा पंजाब से थी। जो आज दो मशीनें आपको दिखाई गई हैं, वो समस्याएं जो बनी रहती थी कि आपके अनाज की सफाई टाइम से नहीं हो पाती थी और मंडी में आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता था और आपको रेट्स जो होते थे अच्छे देखने को नहीं मिल पाते थे, उसी समस्या को देखते हुए ये दोनों मशीनें आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं। और किसान भाई, इसको खरीद के आप अपने अनाज को बेहतरीन तरीके से क्लीन करके, सफाई करके, मंडी में जब आप लेके जाएंगे तो रेट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जब प्रोडक्ट मंडी में टाइम से पहुंचता है तो रेट अच्छा ही मिलता है। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो किसान भाई, आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से इसी तरह की यूनिक वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय जय किसान।